हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि सर आयुष काउंसलिंग को लेके मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं आयुष की काउंसलिंग में। जो आयुष काउंसलिंग ना डबल ए ट्रिपल सी वाले की सर बात कर रहे हैं, जिसको हम ऑल इंडिया कोटा 15% भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो बीएमएस के कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने गवर्नमेंट एडेड हैं ये नहीं पता चल पा रहा है, तो आपको ये मिल जाएगा। और कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी। और ना ये सर स्टेट वाइज भी नहीं पता चल पा रहा है कि टोटल कौन कौन से स्टेट में है, तो मतलब मेजोरिटी ऑफ हमको कॉलेज कहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा कॉलेज ना महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तो एक बार जरा लिस्ट देख लेते हैं, उसमें बीएमएस की भी है, बीएचएमएस की भी है, बीयूएमएस की भी है। ये जो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये सारे का सारा ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग के बेसिस पे प्रीवियस ईयर का एक पीडीएफ मिल गया है। तो वो वाला पीडीएफ हम आपको दिखा देते हैं, है ना। तो पहले तो आप सिंपली यहाँ पर EEEC.gov.in पे जाएंगे, यूजी सेक्शन को आप सिलेक्ट करोगे, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लिस्ट पे आना, उसके बाद में यहाँ से आपको देखना है ऑल, है ना, इंस्टीट्यूट टाइप हम सारे देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी आप ऑल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में आपको कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कोई भी एक कोर्स ले लो आप, बीएमएस का ले लिया, और देन आप इसको यहाँ पे सबमिट कर दो, ऑल कर दो यहाँ पे, तो आपको टोटल कॉलेज आ जाएंगे। अब अगर आपको स्टेट वाइज एक प्रॉपर एक लिस्ट चाहिए ना सिस्टमैटिक, कि भाई अल्फाबेटिकल हो, लोकेशन भी मेंशन हो, सारी चीज़ें हो, तो एक लिस्ट तो मैं आपको दे दूंगा। एक लिस्ट और एक जगह अवेलेबल है जहां पे प्राइवेट कॉलेज वाली भी लिस्ट मिल जाएगी। अभी के इस वीडियो में सिर्फ गवर्नमेंट वाली लिस्ट दे देंगे, प्राइवेट वाली भी लिस्ट आएगी। यहां पर देखो जैसे कि ना बहुत बच्चे करते हैं कि ना हम सर पार्शियल ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो देखो भाई बॉन्ड स्टेटस यहां पे दिया है, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आप बॉन्ड स्टेटस वगैरह वहां से देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कितना क्या बॉन्ड है, कहाँ पर है। मोस्टली मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं वहाँ पे बॉन्ड है, यूपी में अपने नहीं है, है ना। तो इस तरह से अगर आप सारे कॉलेज देखोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 91 कॉलेज आई थिंक है, हाँ 91 कॉलेज आ रहे हैं। तो सिंपली आपको एक लिस्ट हमारे पास में और है, ये वाली लिस्ट और देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस मिल जाएंगे। अभी क्या है कि काउंसलिंग के लिए ना सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता पहले से, कि कितने कॉलेज थे, कैसी प्रेफरेंस रहेगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी। बहुत ही जल्द मैं आपको कॉलेज वाइज, स्टेट वाइज फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ सारा डेटा दे देंगे। ये करांग एक पीडीएफ, एक बढ़िया सी ईबुक मिलेगी, उसके बेस पे आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने आप काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी 510 है, 515 है, और 520 है, 25 है, 530 है, तो ये जो बीच का जो एक रेशियो है, एक स्कोर है, आप जनरल से हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है राउंड वन राउंड टू में। उसके लिए आपको मॉपअप या आगे के स्टे वैकेंसी राउंड में जाना पड़ता है, और उतनी बड़ी मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग करनी पड़ती है, और अच्छे से चॉइस पिलिंग वगैरह करनी पड़ती है। अगर आप इनमें से किसी बीच के स्कोर में आ रहे हैं तो आप हमारी टीम से कंसल्ट ले सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट को गवर्नमेंट एडेड में एडमिशन्स कराए हुए हैं, हेल्प की हुई है। तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे आंध्रा में एक है, असम में एक कॉलेज है, अब जो यहाँ के बच्चे होंगे बिहार में दो हैं, दो छत्तीसगढ़ में हैं, उसके बाद में दिल्ली के दोनों कॉलेज बहुत बढ़िया हैं, आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया करोलबाग, और उसके बाद में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज जो नजफगढ़ न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में गुजरात के चार कॉलेज आपको दिख रहे होंगे, पाँच हैं आई थिंक, सॉरी, और उसके बाद में हरियाणा के दो कॉलेज हैं, SKAU श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, ठीक है। दूसरा जो कॉलेज है वो आपका श्री मारू सिंह मेमोरियल है, जो कि सोनीपत में है। उसके बाद में आप कर्नाटक में देखोगे तो आपको चार कॉलेज और मिल जाते हैं, केरल में तीन हैं। इसी तरीके से आप स्टेट वाइज देख सकते हो हर एक स्टेट का। तो ऑलमोस्ट ये एक बहुत अच्छी लिस्ट है, ऐसी लिस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगी, है ना। तो देखो आप मध्य प्रदेश के देख सकते हैं, और नीचे आओगे तो आपको महाराष्ट्र के मिल जाएंगे, है ना, उड़ीसा मिल जाएंगे, पौंडी, मतलब सारे स्टेट के। तो इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर जाओ, ज्वाइन करो और इस पीडीएफ को डाउनलोड करो। और यहां पर देख लो, आप उत्तर प्रदेश के दिए, गवर्नमेंट का हो गया, गवर्नमेंट कितने टोटल
57 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, जेबी राय, हाँ एक दो कॉलेज कुछ काउंसलिंग अगर बीच में आप पीयर किए हों उसमें से कोई एड ऑन हो गया होगा तो उसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल लिस्ट है, ये ऑफिशियल लिस्ट है, आप देख भी सकते हैं, है ना। उसके बाद में गवर्नमेंट एडेड वाले आ गए, है ना, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी हमको 58 से मिल जाते हैं देखने को 76 तक। उसके बाद में डीम्ड है, तो देन इस तरीके से पूरी PDF कोर्स वाइज रिपीटेड है, तो आप जाकर डाउनलोड करो वीडियो आज की यहीं तक, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आपको आयुष काउंसलिंग करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दिया उसको भी फिल कर दो, ताकि जब भी काउंसलिंग आएगी, डेट्स आएंगी, तो आप सभी को एक मैसेज पहुंच जाएगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा, एक अपडेट मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।